गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप मोटो ब्लॉग्स। मैं हूं प्रदीप नेगी और मैं हूं इस टाइम भद्राज मंदिर में। उत्तराखंड में भगवान बलराम का एकमात्र मंदिर देहरादून मसूरी में स्थित है। भद्राज मंदिर मसूरी से 15 किलोमीटर दूर दूधली भद्राज पहाड़ी पर स्थित है। इस वीडियो में मैं भद्राज मंदिर के दर्शन कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप यहां कैसे आ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करना। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, इससे आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो घूमते हैं भद्राज मंदिर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज डेट है 15 अगस्त 2022। आज है इंडिपेंडेंस डे और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज मैं घूमने जा रहा हूँ भद्राज मंदिर। Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. भद्राज मंदिर जाने के लिए सबसे पहले आपको देहरादून आना होगा। भद्राज मंदिर जाने के लिए कई रास्ते हैं, जैसे कि आप राजपुर रोड शिव मंदिर मसूरी होते हुए मंदिर जा सकते हैं। हर डिस्टेंस ISPT से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास होगा। और आप कड़ी कैंट सप्लाई की माड़ी गांव होते हुए हाथी पांव के रास्ते मंदिर जा सकते हैं। यह डिस्टेंस लगभग 55 किलोमीटर के आसपास होगा। अगर आप पैदल ट्रैक करके जाना चाहते हैं तो आप सहसपुर से मटोंगी लांगा रोड तक गाड़ियां जाती है, फिर वहां से लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है, या फिर विकास नगर कटा पत्थर 11 किलोमीटर तय करके मटोंगी तक गाड़ी में, फिर वहां से पैदल ट्रैक करके आप लगभग 4 या 5 घंटे में रास्ता तय कर सकते हैं। मैं किमाड़ी गाँव होते हुए जा रहा हूँ और यहाँ का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और रास्ते में आपको छोटे बड़े कई वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। अब मैं हाथी पांव पहुंच गया हूं। दोस्तों, 2 साल से कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर मेला नहीं लगाया गया था, लेकिन इस साल मेला लगाया गया है और इस साल पब्लिक भी बहुत आई है। दोस्तों, यहाँ से राइट को रास्ता भद्राज मंदिर को जाता है और ये जो लेफ्ट रास्ता जा रहा है वो जॉर्ज एवरेस्ट के लिए है। दोस्तों, हर साल मंदिर में 15 से 17 अगस्त को मेला लगता है। और यह मौसम बरसात का होता है और बरसात के मौसम पर रोड कंडीशन खराब होती है। और मेरी यह राय है कि आपको यहाँ पर 2-व्हीलर से आना चाहिए, 4-व्हीलर से नहीं आना चाहिए।
दोस्तों यहाँ पे कैंपिंग भी कराई जाती है। उत्तराखंड में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का एकमात्र मंदिर मसूरी में स्थित है, जिसका नाम भद्राज मंदिर है। भद्राज मंदिर मसूरी से 16 किलोमीटर दूर दूधली भद्राज पहाड़ी पर स्थित है। समुद्र तल से भद्राज मंदिर की ऊंचाई लगभग 7,500 फीट है। भगवान भद्राज को मसूरी और चौंसार क्षेत्र के पशुपालकों का देवता माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान बलराम ऋषि वेश में इस क्षेत्र से निकल रहे थे, तब उस समय इस क्षेत्र में पशुओं की भयानक बीमारी फैली हुई थी। ऋषि मुनि को अपने क्षेत्र से निकलता देख लोगों ने उन्हें रोक लिया और पशुओं को ठीक करने का निवेदन करने लगे। तब बलराम जी ने उनके पशुओं को ठीक कर दिया। लोगों ने उनकी जय जयकार की और यहीं रहने की विनती की। तब बाबा कुछ समय उनके पास रुक गए और उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में यहाँ मंदिर में भद्राज देवता के नाम से रहूँगा। लोक कथाओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत में नंदू मेरा नाम के व्यक्ति को भगवान भद्राज की मूर्ति मिली थी। नंदू को जंगल में खुदाई करते समय यह मूर्ति मिली थी। मूर्ति मिलते ही आकाशवाणी हुई, हे पुरुष, मेरी इस मूर्ति को यहाँ से सबसे ऊंचे स्थान पर रखना। जिसके बाद नंदू मूर्ति को लेकर सबसे ऊँची जगह पर ले जाने लगा। कुछ देर बाद वह थक गया और मूर्ति को वहीं पर रख कर पानी ढूंढने लगा, तो अचानक आवाज आई कि इस स्थान को खोद कर देखो। फिर उसने उस जगह को खोदा तो वहाँ पानी निकल आया। तब से लेकर आज तक वहाँ पानी लगातार निकल रहा है। यही जगह बाद में मटोगी गांव के नाम से जानी जाने लगी। बताया जाता है कि नंदू ने पहाड़ी की चोटी पर मूर्ति को रख दिया। जब नंदू मेहरा इस स्थान से जाने लगा तो भगवान भद्राज ने उसे इसी स्थान पर रहने को कहा। भगवान उसे अपने पास नहीं रख सकते थे, लेकिन एक कमरे के कोने में उल्टी दिशा में भगवान ने उसे स्थान दिया और आज भी नंदू मेहरा की पूजा उल्टे में ही की जाती है। अब मैं मंदिर में पहुंच गया हूं। भगवान भद्राज को दूध, दही, मक्खन और रोट का भोग लगाया जाता है।
दोस्तों ये था छोटा सा भगवान बलराज मंदिर का सफ़र। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।